वाह क्या बात है, इस बार तो एडवांस मनी टाइम पर मिली है। वैसे भी मेरे घर वाले पैसों के लिए बार बार पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने कितने पैसे ले लिए। गिन देता हूँ। गिनने देना। ठीक है भाई। क्या यार तू तो फुल टेंशन में लग रहा है। अरे अभी तो पार्टी करने का टाइम है। एक बात बता, अभी तो फेस्टिवल का टाइम भी नहीं चल रहा है और बॉस ने हमें बोनस भी पे कर दिया है, क्यों? हाँ यार, ओए हो सकता है बॉस की बेटी की तरक्की हुई हो इसीलिए उन्होंने हमें बोनस दिया है, समझा? अरे यार उसने सिर्फ 3,000 बोनस दिए हैं, तुम इसे बोनस कह रहे हो हैं? कुछ भी, आज तो पार्टी होगी। हाँ यार बॉस ने हमें बोनस भी पे कर दिया है, मैं अब बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ यार, अब तो मैं एंजॉय करने वाला हूँ। कौन तुम लोग, क्या बातें कर रहे हो? उन्होंने सभी को एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, ऑफिस का रिनोवेशन होने वाला है इसलिए बोनस साथ में दिया है। तो आज रात को पार्टी करेंगे हम लोग। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, पहले मुझे 500 रुपए दे। तू भी दे। अभी कुछ पैसा मिला है, थोड़ी देर तो जेब में रखने दे। जेब में रख के रख के पैसा डबल हो जाएगा क्या? शांत हो जाओ, आओ मेरे साथ चलो, वो हमारा वेट कर रहा होगा। कहाँ यार? अरे ड्रिंक करने। क्या चलो चलो चलो। कुछ दिनों तक तो बहुत खुश थे लेकिन उनका बुरा वक्त आने वाला था क्योंकि उन्होंने जो सपने साथ में देखे थे वो टूटने वाले थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? अगर हाँ तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। क्या है ये यार? कहाँ से आ रही है? आँख में आ रहा है। कहाँ से की अबे लग रहा है। सूर्य ये देख तो क्या है? जरा देखना ये क्या था यार? इस पर जो पता लिखा था वो तो मिट चुका है पर शहर का नाम लिखा है। देखो देखो क्या है, गौर से देखो। क्या होगा इसमें? शायद चेक होगा, चेक कर ले। अरे ये लव लेटर होगा, खोल के देखना। भाई मैं भी लेटर छोड़ सकता हूँ। अरे क्या यार, तू भी? चल इसे फेंक दे। चलो चले यार, चलना। अचानक ये आंधी कहाँ से आ गई यार? वाह खूबसूरत। सूर्य क्या हुआ? कि देख तो, दिमाग खराब हो गया। देख देख मुझे क्या मिला है, कितनी सुंदर है लड़की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ से है पर मुझे इससे शादी करनी है। समझो यार। मेरी बात सुन, इस फोटो वाली लड़की को इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेगा? मेरी बात मान, इसे फेंक दे और चल मेरे साथ। आजा चल, और तुम लोग भी चलो मेरे साथ। कुछ भी बोलता रहता है। फेंक ना इसे यार। हाँ एड्रेस और फोन नंबर है। सूर्या सुन, सूर्या ओए सूर्या। अब क्या हुआ? अरे यार सूर्या इसमें एड्रेस और फोन नंबर भी है। फोन नंबर और एड्रेस मिल गया, अब तो मदद कर दो सूर्या मेरी खातिर। एक बार मान जा, मान जाओ भाई, मान जा प्लीज कर दो यार, मान जाओ ना। ए चल इस नंबर पे फोन लगा। अबे छोड़ ना यार, क्यों टांग अड़ाना? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि फोन लगा दे, चल फोन लगा। कॉल लगाओ। नंबर बता। डायल कर। हेलो 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 सूर्या, फोन रिसीव किया है पर कुछ बोल नहीं रही है। हेलो हेलो ए सूर्या, अरे सूर्या सूर्या क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? सूर्या सूर्या तू ठीक है ना? सूर्या सूर्या क्या हुआ? क्या हुआ सूर्या? बोल बता तो। खड़ा क्या हुआ? बता आराम से आराम से। सूर्या क्या बोली वो? क्या हुआ सूर्या? पता नहीं कुछ अजीब सी आवाज थी। क्या तूने कुछ भी नहीं सुना? हुआ क्या फोन में? वो समझ ही नहीं आ रहा। बहुत थक गया हूँ। ये तो फोटो में ही घुसा है। अब ये मंजी कहाँ चला गया? सुनो मंजी, मंजी टॉयलेट में हूँ भाई। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। सूर्या तू गाड़ी वाले को कॉल करने वाला था ना? ओह मैं भूल गया।
हेलो, समर से बात हो रही है, कहाँ हो तुम? ओह अच्छा, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। बात यह है कि हम लोग घर जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए हमें एक गाड़ी चाहिए। सर, क्या आप एक गाड़ी का इंतज़ाम कर सकते हैं? हाँ, ओह अच्छा, ठीक है सर। सर थैंक यू सर। सर हम लोग सुबह निकलेंगे, गाड़ी भेज दीजिएगा। हाँ ओके सर, बाय। क्या हुआ? अच्छा सुनो सब लोग, कल का प्रोग्राम फिक्स है, हम लोग सुबह निकलेंगे। तेरी मेरी कहानी जैसे सती पुरानी, जो तेरे पास आए। लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ फोटो फोटो, आशीर्वाद बनाए रखना। क्या सूर्या, तू इस फोटो को अपने साथ क्यों लेके जाता है? तुझे क्या लगता है इस फोटो को कोई ले लेगा? ये फोटो इतनी खास भी नहीं है, तुझे लगता है कोई इसे चोरी कर लेगा? हे, मेरी माँ की फोटो के बारे में कुछ भी मत बोलना, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। अबे जाने दे सूर्या, अरे जब से उसने लड़की की फोटो देखी है ना, कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करता है, क्या सुनता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। हे, तुम मेरी माँ की फोटो के बारे में क्या जानते हो, और इसे मेरी माँ के बारे में कुछ पता भी है? ठीक है, तुम दोनों को जो करना है करो, मैं बीच में नहीं पड़ने वाला। हाँ जाओ। ए, मैंने अपनी माँ को खो दिया, वो भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो आज भी मेरे साथ है। इस फोटो के रूप में वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, पर मुझे नहीं छोड़ा। मेरी माँ फोटो के रूप में हमेशा मेरे साथ रहती है। तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ, लेकिन मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ तुम कभी नहीं समझोगे। सूर्या शांत हो जा। सूर्या, मेरी इस जिंदगी में बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ की गोद में चैन से सो सकूं, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकती। मेरे पास कोई नहीं है, इस फोटो के सिवा कोई नहीं है मेरे पास। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि वो हमेशा अपने बच्चे के साथ ही रहे, यही प्रार्थना करती है। इसीलिए ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, इस फोटो में मेरी माँ की जिंदगी है। जब भी मैं किसी मुसीबत में या दर्द में होता हूँ तो ये फोटो मुझे सुकून देती है। हाँ शांत हो जाओ। अब तुम लोग ये बताओ, क्या मैं गलत हूँ? बोलो, क्या मैं गलत हूँ? सूर्या सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। सूर्या है ना यहाँ पे, शांत हो जाओ यार। सूर्या सूर्या माफ कर देना यार, गलती होगी मुझसे, अब माफ भी कर दे यार, शांत हो जा सूर्या।